पूरे देश की स्थिति है और खासतौर से उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो मामला लगभग 50-50 का है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वो भी फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ अजय राय जी हैं। जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है न सिर्फ देश में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी। फंसी नहीं है, हार रहे हैं अस्तोष जी। मोदी चुनाव हार, बनारस की जनता को हरा रही है। मैं तो एक निमित्त मात्र एक उनका एक प्रतिनिधि हूँ। मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा। जनता को लगा कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और बड़ा व्यक्ति हो जाएगा बनारस का, हमारा कायाकल्प हो जाएगा, बनारस स्वर्ग हो जाएगा, क्वेटो हो जाएगा। जो था काशी उसको भी खराब कर दिया इन्होंने, सारे गुजरातीकरण कर दिया, गुजरातियों लाके बैठा दिया, हर कल कारखाने में गुजरात, हर जगह ठेका में गुजरात। तो ये थोड़ी चलेगा, वोट हमारा, मजा तुम लोगे। सारे कल कारखाने लगा गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात ले गए, बनारस को नहीं चाहिए। हमारे भाई बंधु रोजगार नहीं करेंगे, केवल गुजरात के लोग नौकरी करेंगे। निश्चित तौर से काशी की जनता इस बार अपना हक अधिकार लेकर रहेगी, उनका बेटा है उनके साथ खड़ा रहेगा और डंके की चोट पर काशी की जनता मोदी को हराएगी, भारी भारी वोट से हराएगी। बीजेपी ने 400 का नारा दिया था लेकिन अभी तक की जो रुझान आए हैं 300 भी वो बमुश्किल से पार कर पा रहे हैं या 300 भी नहीं पार कर पा रहे हैं। इस पूरे नारे को आप लोग किस तरीके से देखते हैं और आने वाले कुछ वक्त में क्या हालात होंगे, कितनी सीटों का अनुमान है कि आप लोग को मिलने जा रहा है और उन्हें कितने मिलना है? अभी आप देखते रहिए, आने वाला समय है वो जो पूरा इनका इंडिया गठबंधन है वो बहुत बुरी तरीके से हारेगा, इतने बुरी तरीके से हारेगा कि अंदाजा नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाकी सारी चीजों पर हम काबू करेंगे। अभी देखिए चुनाव में रिजल्ट आया नहीं, 2 रुपया किलो गुजरात की कंपनी अमूल का, दो गुजरात उनके गुजरातियों का 2 रुपया दाम बढ़ा दिया। आपके सबके बच्चे होंगे, उनके छोटे बच्चे होंगे, नाती पोते, उनको आज दूध चाहिए। अजय राय जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई वाराणसी वो जीत जाएंगे, अभी पता चल जाएगा कुछ देर में, ज्यादा देर नहीं है। पूरे देश की स्थिति है और खासतौर से उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो मामला लगभग 50-50 का है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वो भी फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ अजय राय जी हैं। जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है न सिर्फ देश में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी। फंसी नहीं है, हार रहे हैं अस्तोष जी। मोदी चुनाव हार, बनारस की जनता को हरा रही है। मैं तो एक निमित्त मात्र एक उनका एक प्रतिनिधि हूँ। मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा। जनता को लगा कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और बड़ा व्यक्ति हो जाएगा बनारस का, हमारा कायाकल्प हो जाएगा, बनारस स्वर्ग हो जाएगा, क्वेटो हो जाएगा। जो था काशी उसको भी खराब कर दिया इन्होंने, सारे गुजरातीकरण कर दिया, गुजरातियों लाके बैठा दिया, हर कल कारखाने में गुजरात, हर जगह ठेका में गुजरात। तो ये थोड़ी चलेगा, वोट हमारा, मजा तुम लोगे। सारे कल कारखाने लगा गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात ले गए, बनारस को नहीं चाहिए। हमारे भाई बंधु रोजगार नहीं करेंगे, केवल गुजरात के लोग नौकरी करेंगे। निश्चित तौर से काशी की जनता इस बार अपना हक अधिकार लेकर रहेगी, उनका बेटा है उनके साथ खड़ा रहेगा और डंके की चोट पर काशी की जनता मोदी को हराएगी, भारी भारी वोट से हराएगी। बीजेपी ने 400 का नारा दिया था लेकिन अभी तक की जो रुझान आए हैं 300 भी वो बमुश्किल से पार कर पा रहे हैं या 300 भी नहीं पार कर पा रहे हैं। इस पूरे नारे को आप लोग किस तरीके से देखते हैं और आने वाले कुछ वक्त में क्या हालात होंगे, कितनी सीटों का अनुमान है कि आप लोग को मिलने जा रहा है और उन्हें कितने मिलना है? अभी आप देखते रहिए, आने वाला समय है वो जो पूरा इनका इंडिया गठबंधन है वो बहुत बुरी तरीके से हारेगा, इतने बुरी तरीके से हारेगा कि अंदाजा नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाकी सारी चीजों पर हम काबू करेंगे। अभी देखिए चुनाव में रिजल्ट आया नहीं, 2 रुपया किलो गुजरात की कंपनी अमूल का, दो गुजरात उनके गुजरातियों का 2 रुपया दाम बढ़ा दिया। आपके सबके बच्चे होंगे, उनके छोटे बच्चे होंगे, नाती पोते, उनको आज दूध चाहिए। अजय राय जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई वाराणसी वो जीत जाएंगे, अभी पता चल जाएगा कुछ देर में, ज्यादा देर नहीं है। लेकिन पूरे देश की स्थिति है और खासतौर से उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो मामला लगभग 50-50 का है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वो भी फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ अजय राय जी हैं। जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है न सिर्फ देश में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी। फंसी नहीं है, हार रहे हैं अस्तोष जी। मोदी चुनाव हार, बनारस की जनता को हरा रही है। मैं तो एक निमित्त मात्र एक उनका एक प्रतिनिधि हूँ। मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा। जनता को लगा कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और बड़ा व्यक्ति हो जाएगा बनारस का, हमारा कायाकल्प हो जाएगा, बनारस स्वर्ग हो जाएगा, क्वेटो हो जाएगा। जो था काशी उसको भी खराब कर दिया इन्होंने, सारे गुजरातीकरण कर दिया, गुजरातियों लाके बैठा दिया, हर कल कारखाने में गुजरात, हर जगह ठेका में गुजरात। तो ये थोड़ी चलेगा, वोट हमारा, मजा तुम लोगे।
सारे कल कारखाने लगा गुजरात महाराष्ट्र से गुजरात ले गए, बनारस को नहीं चाहिए, हमारे भाई बंधु रोजगार नहीं करेंगे, केवल गुजरात के लोग नौकरी करेंगे। निश्चित तौर से काशी की जनता इस बार अपना हक अधिकार लेकर रहेगी, उनका बेटा है उनके साथ खड़ा रहेगा और डंके की चोट पर काशी की जनता मोदी को हराएगी, भारी वोट से हराएगी। बीजेपी ने 400 का नारा दिया था लेकिन अभी तक की जो रुझान आए हैं 300 भी वो बमुश्किल से पार कर पा रहे हैं या 300 भी नहीं पार कर पा रहे हैं, इस पूरे नारे को आप लोग किस तरीके से देखते हैं और आने वाले कुछ वक्त में क्या हालात होंगे, कितनी सीटों का अनुमान है कि आप लोग को मिलने जा रहा है और उन्हें कितने मिलने? अभी आप देखते रहिए, आने वाला समय है वो जो पूरा इनका इंडिया गठबंधन है बहुत बुरी तरीके से हारेगा, इतने बुरी तरीके से हारेगा कि अंदाजा नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाकी सारी चीजों पर हम काबू करेंगे। अभी देखिए चुनाव में रिजल्ट आया नहीं, 2 रुपए किलो गुजरात की कंपनी अमूल का, दो गुजरात उनके गुजरातियों का 2 रुपया दाम बढ़ा दिया, आपके सबके बच्चे होंगे, उनके छोटे बच्चे होंगे, नाती पोते, उनको दूध चाहिए। अजय राय जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई वाराणसी वो जीत जाएंगे, अभी पता चल जाएगा कुछ देर में, ज्यादा देर नहीं है। देश की स्थिति है और खासतौर से उत्तर प्रदेश की स्थिति है तो मामला लगभग 50-50 का है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वो भी फंसी हुई दिखाई पड़ी। हमारे साथ अजय राय जी हैं, जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है न सिर्फ देश में उत्तर प्रदेश में बल्कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी। फंसी नहीं है, हार रहे हैं अस्तोर जी, मोदी चुनाव बनारस की जनता को हरा रही है। मैं तो एक निमित्त मात्र एक उनका एक प्रतिनिधि हूँ, मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, जनता को लगा कि नहीं भाई प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और बड़ा व्यक्ति हो जाएगा बनारस का, हमारा कायाकल्प हो जाएगा, बनारस स्वर्ग हो जाएगा, क्वेटो हो जाएगा, जो था काशी उसको भी खराब कर दिया इन्होंने, सारे गुजरातीकरण कर दिया, गुजरातियों लाके बैठा दिया, हर कल कारखाने में गुजरात, हर जगह ठेका में गुजरात, तो ये थोड़ी चलेगा, वोट हमारा, मजा तुम लोगे, सारे कल कारखाने लगा गुजरात महाराष्ट्र से गुजरात ले गए, बनारस को नहीं चाहिए, हमारे भाई बंधु रोजगार नहीं करेंगे, केवल गुजरात के लोग नौकरी करेंगे। निश्चित तौर से काशी की जनता इस बार अपना हक अधिकार लेकर रहेगी, उनका बेटा है उनके साथ खड़ा रहेगा और डंके की चोट पर काशी की जनता मोदी को हराएगी, भारी वोट से हराएगी। बीजेपी ने 400 का नारा दिया था लेकिन अभी तक की जो रुझान आए हैं 300 भी वो बमुश्किल से पार कर पा रहे हैं या 300 भी नहीं पार कर पा रहे हैं, इस पूरे नारे को आप लोग किस तरीके से देखते हैं और आने वाले कुछ वक्त में क्या हालात होंगे, कितनी सीटों का अनुमान है कि आप लोग को मिलने जा रहा है और उन्हें कितने मिलने? अभी आप देखते रहिए, आने वाला समय है वो जो पूरा इनका इंडिया गठबंधन है बहुत बुरी तरीके से हारेगा, इतने बुरी तरीके से हारेगा कि अंदाजा नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाकी सारी चीजों पर हम काबू करेंगे। अभी देखिए चुनाव में रिजल्ट आया नहीं, 2 रुपए किलो गुजरात की कंपनी अमूल का, दो गुजरात उनके गुजरातियों का 2 रुपया दाम बढ़ा दिया, आपके सबके बच्चे होंगे, उनके छोटे बच्चे होंगे, नाती पोते, उनको दूध चाहिए। अजय राय जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई वाराणसी वो जीत जाएंगे, अभी पता चल जाएगा कुछ देर में, ज्यादा देर नहीं है।